नमस्कार, 10 बजे 10 शहर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हुरीना गौरव। 10 बजे 10 शहर में दिन भर की सबसे असरदार खबरें, वो भी निष्पक्ष अंदाज में। पंजाब में हर पार्टी रैली के रण में उतरी हुई नजर आ रही है और जो रैली नहीं कर रहे वो भी घर नहीं बैठेंगे। कुल मिलाकर राज्य में रैलियों और प्रदर्शनों के जरिए खूब सियासत हो रही है और माहौल ऐसा बन रहा है जैसे कुछ ही दिनों बाद चुनाव होने हैं। पंजाब की सियासत इस वक्त रैलियों के शोर, धरने प्रदर्शन और विरोधियों के बयान के वार के आसपास घूमती नजर आ रही है और रैलियों के शोर में शामिल होने के लिए निमंत्रण पत्र दिल्ली तक भी पहुंचाए जा चुके हैं। अकाली दल ने जहां 14 तारीख को गोविंदवाल साहब और 15 को पटियाला की रैली के लिए पूरी ताकत लगाई हुई है, वहीं अकाली नेता पटियाला में बड़ी भीड़ का दावा कर रहे हैं। कांग्रेस ने रैली को सफल बनाने के लिए सोनिया गांधी और राहुल गांधी को भी रैली में शामिल होने का निमंत्रण भेज दिया है। यानी कांग्रेस हर उस नेता को बठिंडा रैली के रण में उतारना चाहती है जिसके साथ लोगों की भीड़ इकट्ठा हो और रैली कामयाब हो। राहुल जी ने इनवाइट किया है, मिसेस सोनिया गांधी ने इनवाइट किया है, लेकिन साडे कांग्रेस प्रधान या राहुल जी आएंगे, मैं समझदा हूं देखण पंजाब दे लोकां जी कितना उत्साह है इस फैसले दे बारे। शहर दे विच जिहड़ा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जी दा अपना शहर है, मैनूं लगदा कि पटियाला भी उस दिन रैली दे विच शमूलियत जिन्नी वड्डी तादाद दे विच कर रहे है, इक नवां इतिहास सिरजिया जाऊगा। 15 दिसंबर से पहले अकाली दल सोमवार को गोविंदवाल साहब में सद्भावना रैली करने जा रहा है। रैली की तैयारियां पूरी हैं। सीएम ने खुद खडूर साहब में डेरा लगाया हुआ है, लेकिन बीजेपी की तरनतारन इकाई की तरफ से रैली के बायकॉट ने कई सवाल खड़े किए हैं और दूसरी तरफ कांग्रेस के राज्य सरकार की तरफ से रैली के लिए बसें ना देने का जवाब सीएम बादल की तरफ से आया। देखो जी, जो ये कहते हैं ना, कोई नहीं कहता, जो ये कहते हैं वो उल्ट समझ लिया करो। कैप्टन साहब जो कहते होंगे पिछले भी कहते रहे, हूँ भी वह जी गल करते हैं। चलो मैं तो उन्होंने सत्कार करता, मैं किसी के खिलाफ किसी लीडर पोलिटिकल पार्टी के लीडर मैं ना बोलना ना बोलना। उधर राज्य में सियासी आधार मजबूत करने में लगी आम आदमी पार्टी भी 15 को एक्शन में नजर आएगी, लेकिन रैलियों के रण में नहीं बल्कि प्रदर्शन के जरिए। देखो आम आदमी पार्टी वालों से 15 तरीक न जोन लैवल पर मैमोरेंडम दे रहे हैं, तो जिहड़ा है खेतीबाड़ी दे विच बहुत वड्डा घपला होया है। सियासी पार्टियों के साथ साथ पंथक संगठन भी 15 दिसंबर को सरगर्म नजर आएंगे। अकाली दल मान और पंथक संगठन की तरफ से बरगाड़ी में श्री अखंड पाठ साहिब के भोग डाले जाएंगे, तो मंगलवार का दिन रैलियों के रण में हर सियासतदान नजर आएगा। लेकिन राज्य की आवाम सोच में पड़ी हुई है कि चुनाव में एक साल से ज्यादा का वक्त बाकी है, लेकिन रैलियों का शोर अभी से इतना क्यों हो रहा है। बठिंडा से गोविंद सैनी और पटियाला से अवतार गिल के साथ राजन गोसाई, जी मीडिया, गोविंदवाल साहब। तो साफ है कि पंजाब में मंगलवार का दिन सियासी गहमा गहमी वाला रहने वाला है, पर इससे ठीक एक दिन पहले यानी कल अकाली दल की 5वीं सद्भावना रैली है। अकाली दल बेशक अब अपने सियासी गणित के तहत पटियाला की रैली को तवज्जो दे रहा है, पर गोविंदवाल साहिब में होने वाली इस रैली को लेकर भी बड़े दावे किए जा रहे हैं। गोविंदवाल साहिब की ऐतिहासिक धरती तैयार है अकाली दल की 5वीं सद्भावना रैली के लिए। कांग्रेस की तरफ से कबूली गई चुनौती के जवाब में पटियाला में होने वाली अकाली दल की रैली के ठीक एक दिन पहले हो रही ये रैली बेशक खासी चर्चा में नहीं, लेकिन माझा की लीडरशिप का दावा है कि भीड़ के पक्ष से ये रैली दूसरी रैलियों से भी ऐतिहासिक होगी। जिन्हिया भी पहलो रैलियां होंगी सब तो बड़ी रैली होगी, क्योंकि मजायल जेड़े ने हमेशा ही हर चीज नु वध चढ़ के करते ने काम। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਫੋਲ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵਾ ਮਜਾਲਾ ਨੇ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਤੇ ਟੌਪ ਤੇ ਕੀਤਾ। रैली से ठीक पहले तरनतारन की बीजेपी इकाई के रैली के बायकॉट के ऐलान के बाद सत्ता पक्ष की फिक्र जरूर बढ़ी है, लेकिन सीनियर लीडरशिप में पंजाब बीजेपी प्रधान कमल शर्मा और सीनियर नेता तरुण चुग के यहाँ पहुँचने की उम्मीद जताई जा रही है। राजन गोसाई, जी मीडिया, अमृतसर। वहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से श्रीमणि अकाली दल और कांग्रेस के खिलाफ अपने कार्यकर्ताओं को परेशान करने के इल्जाम लगाए गए हैं। इसके साथ ही कार्यकर्ताओं को इंसाफ दिलाने के लिए पार्टी की तरफ से संघर्ष किए जाने के संकेत भी दिए गए हैं। उधर कांग्रेस ने इन इल्जामों को सिरे से नकार दिया है।
आम आदमी पार्टी के पंजाब कन्वीनर सुच्चा सिंह छोटेपुर की मौजूदगी में अपनी मुश्किल बता रहे ये फिल्लौर से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और इनका इल्जाम है कि कुछ रसूखदारों ने राजनीतिक शह पर उनके प्लॉट पर जबरी कब्जा कर लिया है और इल्जाम के घेरे में कांग्रेसी एमसी है। अपने साथ बाकायदा कब्जे की पूरी वारदात की वीडियो लेकर आए इस परिवार ने पुलिस पर भी राजनीतिक शह और धक्काशाही के इल्जाम लगाए। जिहड़ा जिंदर कुमार ते पुत्र ते केस बनाया फौरन वापस लिया जाए। इन्हां दा जिहड़ा प्लाट आ उहदे बिल्कुल उहदे वल झाकण दी खिचल ना करन। जिहड़े अफसर ने झूठे केस बनाया उहदे ते एक्शन लैण। जे सारा कुछ ना होया ते इक हफ्ते बाद आम आदमी पार्टी इंसाफ लैण वास्ते कुछ भी करन तैयार। उधर अकाली दल और कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के इल्जामों को बेबुनियाद बताया है। मुख्यमंत्री बादल की दलील है कि इस तरह का कोई मामला है तो शिकायत की जाए, कार्रवाई होगी। अर्ज है किसे नू कोई शिकायत है वो मेरे तक अर्जी पहुंचा दे या मेरे तक इन्फॉर्म पहुंचा दे, मैं पूरा यकीन दौना कि उन्हें इंसाफ मिलेगा। ये कांग्रेस का कल्चर नहीं है और कांग्रेस का इहदे विच कोई लेना देना नहीं है। मैं सुच्चा सिंह छोटेपुर होरां नू कहांगा कि अगर कोई अजिही कंप्लेंट उन्हां नू नजर आंदी है कि जिहदे विच दलित उत्पीड़न की गल होवे उहदे खिलाफ कार्रवाई अवश्य करांगे, लेकिन अजे तक मेरे कुछ नोटिस नहीं है। पंजाब के राजनीतिक धरातल पर तेजी से उभर रही आम आदमी पार्टी अपनी सरगर्मियों से चर्चा में है। इस दरमियान आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाए गए संगीन इल्जाम भी कई सवाल खड़े कर रहे हैं। अमृतसर से राजन गोसाई के साथ कुलवीर दीवान, जी मीडिया, चंडीगढ़। मुक्तसर में एक निजी कंपनी की बस से हुए हादसे में छात्रा की मौत के मुद्दे पर सियासत पूरी तरह से गरमाई हुई है। आम आदमी पार्टी ने इस मामले को संसद में उठाने की बात कही है तो अकाली दल ने इस मामले में राजनीति न करने की अपील की। मुक्तसर में एक निजी कंपनी की बस के नीचे आकर एक लड़की की हुई मौत का मामला आने वाले दिनों में देश की पार्लियामेंट में गूंज सकता है। इसका संकेत आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान ने दे दिया है और दावा किया है कि इस मामले को वो पूरे जोर शोर से उठाएंगे। पार्लियामेंट दे विच एमपी साहब नू रोकण दी घटना दा ते इस इंसानियत नू शर्मसार करन वाली घटना दा असीं कल नू मैडम स्पीकर सुमित्रा महाजन जी कोल जाके स्पेशल नोटिस देवांगे। उधर सत्ता पक्ष की दलील है कि ये महज एक हादसा था और इस पर सियासत करनी जायज नहीं। एक बच्ची का एक्सीडेंट होना मुद्दा नहीं है, ट्रैफिक की बहुत बड़ी समस्या है देश में, उसका मुद्दा वो उठाएं तो ज्यादा अच्छा होगा। अब क्या हो रहा है कि इस पार्टी जो नई नई आई है इसका एक अलग वर्किंग स्टाइल हो गया कि ये पहले सीन क्रिएट करके इशू को बनाने की कोशिश करते हैं फिर उसके ऊपर बात करनी शुरू करते हैं। मुक्तसर में बस के नीचे आकर लड़की की मौत पर लड़की के परिवार वालों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कार्रवाई सवालों के घेरे में आई थी। चंडीगढ़ से इंदिका महेश्वरी के साथ गोविंद सैनी, जी मीडिया, बठिंडा। और अब बात करते हैं जी पंजाब हरियाणा हिमाचल की खबर के असर की। हमारे मिशन अधूरा विकास में दिखाई गई शिलान्यास के पत्थरों से जुड़ी आधी अधूरी तरक्की की सच्चाई पर अब पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने भी प्रतिक्रिया दी है। नींव पत्थर के जरिए विकास के दावे करती तस्वीरों की हकीकत की तस्वीर हमने नशर की थी। इन तस्वीरों ने अलग अलग सरकारों की तरफ से नींव पत्थर पर की जाने वाली सियासत को बयान किया था। कैसे हर एक नेता विकास कार्यों के लिए नींव पत्थर लगाकर अपनी जिम्मेदारी से फारिग हो जाते हैं लेकिन उसके बाद वो विकास के नाम पर कुछ नहीं किया जाता। सालों तक वो प्रोजेक्ट लटकता रहता है जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है। इस पर पंजाब के मुख्यमंत्री ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वो नींव पत्थर की जगह काम करवाने में यकीन रखते हैं। मेरी याद था मैं पहले था नींव पत्थर रखने दे हक च नहीं, ये भी इन्होंने अफसर साहबान ने आकर रख दौरा, फिर मैं जिथे उथे रखदा जिथे पैसे पहले पहुंच जा। उम्मीद की जानी चाहिए कि राज्य के सीएम के बयान से नींव पत्थर की सियासत करने वाले नेता सबक लेंगे और सही तरीके से विकास कार्यों को तरजीह देंगे। राजन गोसाई, जी मीडिया, तरनतारन। फाजिलका के गांव बिल्लापट्टी के लोग आज भी विकास का इंतजार कर रहे हैं। गांव में पानी सबसे बड़ा संकट है। लोगों के घरों में दूषित पानी सप्लाई हो रहा है। अधिकारियों को कई बार लिखा जा चुका है लेकिन समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। फाजिलका जिला का ये है बिल्लापट्टी गांव, जिसकी हालत देखकर मन में सवाल उठता है
कि क्या सच में हमारे देश को आजाद हुए 6 दशक से ज्यादा का वक्त हो गया है, क्योंकि हालात इस गांव के ऐसे हैं जिन्हें देखकर लगता है कि यहां विकास हुआ ही नहीं। यहां आपको देखकर लगेगा कि शायद नालियां यहां सड़क के बीच बनाई गई हैं, वो भी कुछ बड़े आकार की, क्योंकि सड़कों के बीच भरा पानी आपको कुछ ऐसे ही भ्रम में डाल सकता है। ये बच्चा किसी खिड़की से नहीं बल्कि दरवाजे पर बनी दीवार के ऊपर से झांकने की कोशिश कर रहा है। पानी घर में ना घुस जाए इसलिए यहाँ के बाशिंदे अपने घरों के आगे ऐसी दीवारें बनाते हैं। जगह जगह पानी इकट्ठा होने के कारण बीमारियां अक्सर यहाँ के निवासियों को घेरे रखती हैं। बच्चे साथ डूबते ने साथ बच्चे साथ गली का हल होना चाहिए, साड़ी गली का हल करो, साड़ी गली दे विच गली दी सफाई रहनी चाहिए, गली दी ऊंचाई होनी चाहिए पूरी। बड़ी मच्छर वगैरह भी इतना हुंदा है, जड़ा मच्छर दे बीमारी दे घर साडे जवाकां दे हाल वेखो तुसी। हां जी, इतना वैसे तो साडे 3-4 फुट ते नीचे वाला पानी जी, ते जे ते वेखना हुण पिछे जे नहर दी बंदी रही 1 महीना जी, ते महीना भी ये पानी नहीं मुकदा, उन्ना रोज ना शाम नूं वेखना छड्ड दिंदे, उन्ना रात रात फिर इकट्ठा हो जांदा, ते मच्छर ते मच्छर दे बच्चे बीमार पै जांदे जी, ते गांव के वाटर वर्क्स भी बदतर हालत में है और वहां से भी दूषित पानी सप्लाई होता है। गांव का बस अड्डा भी अतिक्रमण का शिकार हुआ नजर आता है, या कहें नजर ही नहीं आता। सिर्फ पीपल के पेड़ के पास बना चबूतरा ही बस स्टैंड का काम करता है। गांव वालों का आरोप है कि प्रशासन के हर विभाग को कई पत्र लिखे पर हालात में सुधार नहीं हुआ। उधर प्रशासन ने दबे शब्दों में माना कि बिल्ला पिट्टी गांव में समस्याएं हैं, पर कहा कि समस्याएं जल्द दूर की जाएंगी। असी SDM साहब नू, DC साहब नू, BDO साहब नू पता नहीं किन्ने बारी कंप्लेंट कर चुके हैं पर कोई सुनवाई नहीं हो रही, ते बहुत बुरा हाल है साडे पिंड दा। बिल्कुल जिहड़ी है तुसी इस तरह दियां इन्नियां गल्लां मेरी कदम सामने आ रही है, तो किसी ना किसी की लापरवाही जरूर है। असी देखते हैं कि रिपोर्ट आती है, जे लोड़ पई तो मैं खुद भी विजिट करांगा और जो भी वो हल करने पे वो असी प्रशासन जरूर करेंगे। उधर अबोहर से विधायक सुनील जाखड़ ने बिल्ला पट्टी के बुरे हाल का ठीकरा राज्य सरकार पर फोड़ दिया और कहा कि उन्होंने तो कई बार राज्य सरकार को इस गाँव की परेशानियों से अवगत कराया पर कुछ सुधार नहीं हो सका। पट्टी बिल्ला के अंदर ये खास तौर पे ये हमारे लोगों की समस्या है, बार बार सरकार से ये बात उठाई गई है, इस समस्या का फौरी तौर पे हल किया जाए, इस गंदे पानी की निकासी का प्रबंध किया। प्रशासन के दावे और विपक्षी दल के आरोपों से हटकर बात विकास की करनी जरूरी है, क्योंकि इस गाँव के बाशिंदों को दावे नहीं अपने गाँव का विकास ही चाहिए। सुनील नागपाल, जी मीडिया, फाजिलका। चलिए हरियाणा का रुख करते हैं। संसद में नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर चल रहे हंगामे के बीच इस मामले में हरियाणा से भी गड़बड़ झाला उजागर हुआ है, जिसने प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कटघरे में खड़ा कर दिया है और अब इस पूरे मामले में प्रदेश बीजेपी का आक्रामक रुख देखने को मिल रहा है। नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर संसद में हंगामा जारी है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी सवालों के कटघरे में हैं। दोनों को 19 दिसंबर को कोर्ट में पेश होना है, लेकिन इस बीच एक नए खुलासे ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। एक अंग्रेजी अखबार ने खुलासा किया है कि हेराल्ड की प्रकाशक कंपनी AJL को साल 2005 में हुड्डा सरकार बनने के 6 महीने के भीतर ही पंचकुला में 3,360 वर्ग मीटर का प्लॉट आवंटित किया गया। उस समय AJL कंपनी ही हेराल्ड का प्रकाशन करती थी। AJL के रिकॉर्ड के मुताबिक 20 मार्च 2005 को दीपेंद्र हुड्डा को AJL का निदेशक बनाया गया। 14 अगस्त 2014 को AJL कंपनी को प्लॉट का कब्जा दिया गया। ये प्लॉट पंचकुला के सेक्टर 6 में प्राइम लोकेशन पर है।
वहीं इस खुलासे के बाद बीजेपी की तीखी प्रतिक्रिया आई है। हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष सुभाष बराला ने साफ कर दिया है कि मामला गंभीर है और सरकार इस मामले की जांच करवाएगी। गंभीर मामला है, मैं समझता हूँ अगर नेशनल हेराल्ड का केस और ये सारा कोर्ट में चल रहा है तो हो सकता है कि खुद कोर्ट भी इसके ऊपर अपनी तरफ से संज्ञान लेकर के इसको इंटेंगल करे। मैं समझता हूँ इस प्रकार के जो मुद्दे हैं उनकी अवश्य जांच होकर के और दोषी लोगों को कड़ी कार्रवाई उनके ऊपर होनी चाहिए। उधर कुरुक्षेत्र से सांसद राजकुमार सैनी का कहना है कि मुद्दे को राजनीतिक रंग देने की कोशिश नहीं होनी चाहिए, साथ ही ये दावा भी किया कि मामले की निष्पक्ष जांच होगी। इसका स्पष्ट हम कर दें कि दूध का दूध पानी का पानी करके जिस जो उचित कार्रवाई है वो ही की जाएगी, कोई इसमें राजनीतिक रंजिश या राजनीतिक द्वेष का मामला नहीं है। वहीं अम्बाला से बीजेपी सांसद रतनलाल कटारिया ने साफ कर दिया कि नेशनल हेराल्ड मामले में एजेएल के जरिए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के उजागर हुए इनडायरेक्ट कनेक्शन की गूंज अब संसद में भी सुनाई देगी। हाँ जरूर उठाएंगे, जैसे ही विषय वहाँ पर आएगा तो इसके बारे में जरूर आवाज उठाएंगे। आरोप ये है कि एजेएल को प्लॉट मुफ्त में सौंपा गया था, पर फिलहाल 19 दिसंबर को बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर कांग्रेस अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को दिल्ली की अदालत में हाजिर होना है, लेकिन नेशनल हेराल्ड मामले में भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम आने के बाद उनकी मुसीबतें बढ़ सकती हैं। साथ ही बीजेपी को कांग्रेस को घेरने का एक नया और बड़ा मुद्दा मिल गया है। रोहतक से राज डाकिया, कुरुक्षेत्र से राकेश रोहिला, चंडीगढ़ से कुलवीर दीवान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। नेशनल हेराल्ड मामले में पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा का नाम सामने आने के बाद जहां बीजेपी ने आक्रामक रुख अपनाया, वहीं कांग्रेस ने इस मामले को पॉलिटिकल मैंडेटा करार देते हुए विरोध का रास्ता अख्तियार करने का फैसला किया है। पर हरियाणा विधानसभा में प्रमुख विपक्षी दल इनेलो ने पूर्व की कांग्रेस सरकार को ही घेरा है। नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी का नाम सामने आने के बाद अब हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा पर इस मामले में एक प्लॉट दिए जाने के आरोप लगने से सियासत और गर्मा गई। पार्टी के मीडिया प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने पूरे मामले को असल मुद्दे से जनता का ध्यान भटकाने की बीजेपी की कोशिश करार दिया और केंद्र सरकार को नसीहत दी। हमारा उनसे सादर निवेदन है, 18 महीने हो गए, अब आप सत्ता में हैं, अब आप राजनीतिक विरोधियों को प्रताड़ित करिए, कोई दिक्कत नहीं, वो हम निपट लेंगे, परंतु शासन भी चलाइए, क्योंकि देश के लोगों ने आपको सरकार शासन चलाने के लिए दी थी, ना कि अपने विरोधियों पर झूठे मुकदमे दर्ज करवाने के लिए। वहीं गुड़गांव में कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेने पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर ने इसी मुद्दे पर फरीदाबाद में विरोध प्रदर्शन की रणनीति का ऐलान किया। कांग्रेस 16 दिसंबर को प्रदर्शन करेगी। ये जो तमाम लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है, इसके लिए कांग्रेस पार्टी फरीदाबाद के अंदर 16 तारीख को हम सब साथियों ने निर्णय लिया है कि वहाँ पर हम प्रदर्शन करेंगे। उधर बात अगर विधानसभा में मुख्य विपक्षी दल इनेलो की करें तो पार्टी नेताओं ने इस खुलासे के साथ ही एक बार फिर कांग्रेस को निशाने पर ले लिया है। हिसार से सांसद दुष्यंत चौटाला ने कहा कि ऐसे मामले लगातार उठाए जाते रहे हैं और अब इनमें कार्रवाई होनी चाहिए। हम कहते आए हैं कि घपले इस प्रदेश में अनेकों हैं और भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं पीछे हट रही है इन सब घपलों की जांच कराने के लिए। हम तो यही मांग करते हैं कि तुरंत प्रभाव से इनकी जांच कराई जाए और जो दोषी हैं उनको सजा दी जाए। जिस तरीके से नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस के संसद में रुकने उसकी भूमिका पर सवाल खड़े किए, ऐसे में हरियाणा के पूर्व सीएम का नाम भी इस मामले में जुड़ने से पार्टी की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती हैं। गुड़गांव से आलोक उपाध्याय, हिसार से ललित शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
हिमाचल की खबर का रुख करते हैं। शिमला के विकास के लिए केंद्र सरकार अमृत सिटी परियोजना के नाम पर करोड़ों रुपए भेज रही है। इसके अलावा प्रदेश की राजधानी होने के कारण इसे राज्य सरकार से भी आर्थिक मदद विकास के लिए दी जाती है, पर शहर में विकास की असल स्थिति जानने की कोशिश की गई तो कोई सटीक जवाब नहीं मिला। शिमला के प्रमुख और मशहूर इलाके मॉल रोड और रिज मैदान, जहां पहाड़ों की रानी की खूबसूरती साफ नजर आनी चाहिए, पर अफसोस यहां भी गंदगी की तस्वीरें हैं। गंदा पानी नालियों ही नहीं बल्कि सीढ़ियों से भी बह रहा है। तस्वीरें गवाही देती हैं कि इन्हीं प्रमुख इलाकों में पैदल रास्तों में भी गड्ढे पड़े हुए हैं और स्ट्रीट लाइट से रोशनी गायब है। वहीं जब शहर के इन हालातों में निगम के उपायुक्त पंकज से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अमृत सिटी प्लान के अंतर्गत 125 करोड़ दिए गए हैं। इसमें से वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए 52 करोड़ रुपए हैं। अमृत की मीटिंग हुई जिसमें शिमला के लिए लगभग 225 करोड़ रुपया मंजूर किया गया है और वित्तीय वर्ष 15-16 के लिए इसमें 52 करोड़ रुपया स्वीकार किया गया है। इसमें पहले ही एमसी के सदन द्वारा अमृत का इस साल का प्लान और पूरे 3 से 5 साल का प्लान पास कर दिया गया है। उधर दूसरी तरफ शहर के निवासी प्रशासन और निगम से पूरी तरह से निराश हो चुके हैं। जी मीडिया से बात करते हुए शहर निवासियों ने पूरे हालात पर अपना दुख और आक्रोश व्यक्त किया। जी बहुत दिक्कत है जी, नाली भर जाती है, यहाँ पे पानी आता है तो ब्लॉकेज हो जाती है, सारा सड़क पे पानी आता है, सारा गंद यहीं पे दुकानों के बाहर हो जाता है इकट्ठा सड़क पे ही। ऊपर से यहाँ पे स्ट्रीट लाइट नहीं है, यहाँ पे सारे स्ट्रीट खंभे लगे हुए थे, लाइट भी रात को पोस्ट पर भी जो भी कोई आता है यहाँ पे वो सब लाइट से बड़ा भी हल हो जाता है। रास्ते पूरे रास्ते में गड्ढे पड़े हुए, कहीं पानी घुस रहा है। अगर शिमला को अमृत सिटी के तौर पर विकसित किया जा रहा है तो उसकी तस्वीर वैसी नजर क्यों नहीं आ रही जैसा प्रशासन दावा कर रहा है? आखिर पूरे सिस्टम में लूप होल कहां पर है? ये वो सवाल है जिसका जवाब प्रशासन को जानना होगा। विशाल द्विवेदी, जी मीडिया, शिमला। चलिए अब आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाते हैं जिनका दावा है कि उन्होंने एक ऐसा यंत्र तैयार किया है जो भूकंप आने की सूचना देगा। ये कोई मामूली हॉर्न की आवाज नहीं है और ना ही ये कोई छोटा मोटा बॉक्स है। होशियारपुर के गांव मीरपुर में रहने वाले दिलबाग सिंह नाम के इस शख्स का दावा है कि उन्होंने एक ऐसा यंत्र तैयार किया है जो भूकंप आने पर लोगों को सचेत कर देगा, यानी बता देगा कि भूकंप आ चुका है। हाल ही में अमेरिका से लौटे दिलबाग सिंह के मुताबिक जब दीवारों में कंपन होगी तब ये यंत्र काम करना शुरू करेगा, उसी वक्त भूकंप आने का संदेश देगा और फौरन हॉर्न बज उठेगा। इनू जिदा मर्जी हिलाई जाओ, इदा हिलाने नाल नहीं चलेगा, जदों भूचाल आएगा उस टाइम ये दोबारा हिलदियां ते इहदा जिहड़ा सर्किट चालू हो जांदा। ये बैटरी 12 वोल्ट की बैटरी से भी चलता, तो बिजली के अडाप्टर ला के भी इनू चलाया जा सकता, तो जिन्ना चिर भूचाल रहेगा उन्ना चिर अपने आप बजना शुरू हो जाता, जो भूचाल बंद हो जाता तो अपने आप इहदा हुटर बंद हो जाता। दिलबाग सिंह का कहना है कि ये यंत्र पिछले कुछ दिनों में आए भूकंप के झटकों पर काम कर चुका है। फिलहाल अब दिलबाग सिंह चाहते हैं कि सरकार उसके इस यंत्र को परखे और फिर इस पर विचार करे। वहीं स्थानीय लोगों ने भी दिलबाग सिंह के इस यंत्र की जमकर तारीफ की है। भूचाल आया, लोग बाहर निकल गए, काफी नुकसान होने तो बच गया, जाना बच गई, एक बड़ी वड्डी इन्हां दी तकनीक आ। भाजी उन्होंने किदां दा यानी कि तकनीक दे नाल यंत्र तैयार किया जिहदे विच सानूं एक हूटर वजदा, जिहले भूचाल आंदा ना माड़ा जिहा वी झटका लगे एक हूटर वजदा, हूटर वजण दे नाल सारे ही घरां वाले अलर्ट हो जांदे आ और रात नूं सुत्ते पिआं वी हूटर दी इन्नी आवाज़ हुंदी कि अपने घरां तों सारे बंदे बाहर आ जांदे। भूकंप से होने वाली तबाही सालों तक जख्म देती है, बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान होता है। ऐसे में दिलबाग सिंह का ये यंत्र भूकंप से होने वाले नुकसान को रोकने में कुछ हद तक कारगर साबित हो सकता है। रमन खोसला, जी मीडिया, होशियारपुर। और चलिए इसी के साथ 10:10 शहर में फिलहाल इतना ही, यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए फटाफट अंदाज में खबरें नॉर्दर्न एक्सप्रेस में।